तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं मानोरा नगरी। यह मानोरा नगरी बस स्टैंड है और यह मानोरा नगरी का प्रवेश मुख्य द्वार है। यहाँ से लोगों का आना जाना होता है और आप देख रहे हैं यह प्रवेश द्वार, ये बस स्टैंड। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर सागर है और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर राइट में विदिशा है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ से आते हैं तो सीधा सागर की ओर भी जाती है सागर रोड। अगर कोई किसी भी दर्शनार्थी को कोई समस्या होती है, सागर 140 रोड सीधा विदिशा से आइए तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये बीच जस्ट रास्ते में पड़ता है मानोरा नगरी। और दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए साथियों, आज हम आपको दिखाते हैं मानोरा ग्राम, मानोरा रथ यात्रा। काफ़ी शानदार, यहाँ पर रथ निकला हुआ है, रथ यात्रा चल रही है। आप यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या, लगभग 2 से 5 लाख जनसंख्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो आप देख रहे हैं रथ के पास पहुँच चुके हैं। बहुत ही जगदीश स्वामी की प्रसाद, प्रसाद 50 का 100 ग्राम, आधा किलो प्रसाद 50 का, आधा किलो 50 का सुबह से दुकान पर बैठे थे, हमने कहा आप देखे अब ड्यूटी भी कर ले थोड़ा। अरे जूता है तो ब्लॉग वीडियो। प्रसंग भाई साहब। आप देख सकते हैं हम जिस गाड़ी का आपको इंतज़ार था हम वही गाड़ी पर वहीं पर पहुंच चुके हैं। हम रथ यात्रा रथ के पास आ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दर्शकों की काफ़ी भीड़ है। देख रहे हैं साथियों जिस गाड़ी का आपको इंतज़ार था यहाँ पर जगन्नाथ रही है। यहाँ पर दर्शकों की काफ़ी जनसंख्या है। आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी सकते हैं साथ में काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें भी लगी हुई हैं। यहाँ पर ये मिठाई की दुकान है, प्रसाद की दुकान है ना। मोबाइल मेरे पास यहाँ पर भी देख सकते हैं साथियों काफ़ी पब्लिक है, बहुत भीड़ है। ऐसा माना जाता है कि मानकचंद तरबदार और पद्मावती देवी जी यहाँ पर अपने पिंड भरते हुए ग्राम मानोरा से जगन्नाथ पुरी उड़ीसा के लिए गए थे, तो वहाँ से लेकर आए थे। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है साथियों यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप पब्लिक बहुत है, चारों साइड पब्लिक ही पब्लिक नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप कब तो साथियों यह है जनकपुरी मंदिर। यहाँ पर जगदीश स्वामी जी रात विश्राम करते हैं और सुबह अपने वापस अपनी नगरी में लौट आते हैं। यह वह मंदिर है जहाँ पर जगदीश स्वामी जनकपुरी से लौटकर अपने अवधपुरी या अपने मंदिर में जगदीशपुरी मंदिर में आकर स्थापित हो जाते हैं। जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो साथियों, हम आ पहुँचे हैं झूले की ओर और यह है ब्रेक डांस, इसका किराया 20 रुपये है। और ये है राम झूला, इसका किराया भी 20 रुपये है। और सभी झूलों कुछ झूलों किराया 50 रुपये है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार अनेक प्रकार के झूले लगे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, बहुत शानदार। और यहाँ पर वो आगे मिक्की माउस लगा है, यहाँ पर छोटे बच्चों को घूमने के लिए लगा है। और यहाँ पर चक्री झूला डांस, ये ब्रेक डांस झूला है, ब्रेक डांस झूला आप देख रहे हैं। मानोरा मेले का दृश्य काफ़ी शानदार सुंदर नज़ारे, बहुत ही अच्छे अनेक प्रकार के झूले आप देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर पब्लिक भी बहुत है, लगभग 2 से 3 लाख जनसंख्या है अभी आज ग्राम मानोरा में। यहाँ पर भक्त मानकचंद तरबदार और पद्मावती देवी जी के द्वारा उड़ीसा से लाए हुए श्री जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 2 के दिन यह प्रोग्राम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पब्लिक है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, दर्शक है, बहुत ही खूबसूरत। और देख सकते हैं झूले वालों का पैसा भी बहुत, यहाँ पर झूले वालों के पैसे की इनकम बहुत होती है, शानदार इनकम। लगभग एक ही दिन में यहाँ पर झूले की इनकम हो जाती है 1 से 2 लाख रुपए। वीडियो के मेले का दृश्य काफी शानदार मनमोहक नज़ारा है। नीचे देखो, नीचे, अरे ऊपर तो देखो, ऊपर, अरे नीचे तो देखो, अरे खाना चल रहा मज़ा नहीं आया। हाय फ्रेंड, हम लोग झूला झूल रहे हैं। साथियों, भाइयों बहनों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर नाउ। थैंक यू।